खरीदेंगी, साड़ी खरीदेंगी, जो खरीदना है खरीदे, चिंता मत करो। तुम्हारा सगा भाई मुख्यमंत्री है, तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। और जितनी बहनें रह गई है शिवनारायण और मेरे नेता बैठे, भैया मनीष रह गई हो तो जाके कह देना कि आज चंदिया में भैया कह गया है सबके नाम जोड़े जाएंगे, बचे खुचे कोई को शेष नहीं रहने देंगे। अच्छा, मुझे कई जगह बेटियां मिली और बेटियों ने मुझे कहा मामा ये 21 साल में शादी की शर्त काय को लगा दी, हमें नहीं करना 21 साल में शादी, हम तो पढ़ेंगे अभी तो हमें पैसा क्यों नहीं मिलेगा। तो भाइयों मैंने तय कर दिया, देखो बेटियों से मैं कैसे, बेटियों को मैं कैसे दूर रख सकता हूं, इसलिए अब तय कर दिया कि 21 साल से ज्यादा उम्र की बेटी शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, सबके खाते में पैसा दिया जाएगा। शादी नहीं हुई पढ़ रही है तो पढ़ाई में काम आ जाएगा। बताओ सही बात है कि नहीं? इनकी जिंदगी बेहतर बने। और एक बात और है, अभी तो 1000 से बढ़ा के 1250 किए हैं, लेकिन 1250 थोड़ी रहने दूंगा, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। पैसा बहुत लगते हैं, कितनी मैंने मेरी पता है 1,32,00,000 मैंने है मेरी अभी। अरे इतना भाग्यशाली भाई कोई है दुनिया में जिसकी इतनी बहनें हो? मेरा तो जन्म सुधर गया, जीवन सफल हो गया, 1,32,00,000 बहनों का भाई है ये। चिंता मत करो, इंतजाम होते ही 1,250 से बढ़ा के 1,500, फिर 1,750, फिर 2,000, फिर 2,250, फिर 2,500, फिर 2,750 और बाद में कितने दूंगा? अरे जोर से बोलो बहना, बोलो 3,000 दूंगा, तब मुझे चैन मिलेगा और मुझे मिलेगा कि अब बहनों की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? भाषण भाषण देने नहीं आया, बात कर रहे हैं अपन, तो भाई बहन बात कर रहे हैं। बोलो ठीक हो जाएगा ना? मैंने इस धरती पर जन्म लिया है तुम्हारा जीवन सुखी बनाने के लिए बहनों, और ये मैं करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बात और, एक संकल्प और मेरे मन में आया है कि कोई बहन गरीब क्यों रहे? क्या बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई? क्या बहनों के हिस्से में केवल दुख और तकलीफ आएगी? अगला मेरा लक्ष्य बहनों, हर बहन को लखपति बनाऊंगा। लखपति, ध्यान से सुन लेना, आप मजाक नहीं कर रहा, लखपति बनाऊंगा। और स्वसहायता समूह के माध्यम से मेरा टारगेट है 1,00,000 से ज्यादा आमदनी साल में हर बहन की होनी चाहिए, तब उसकी जिंदगी बेहतर होगी, ये मैं करके रहूंगा अगला टारगेट। लेकिन किसान भाइयों आपके खाते में भी तो आ रहे हैं 1,000 रुपया महीना, 6,000 पीएम साहब के, 6,000 मैं भेज रहा हूं, और ये 12,000 थोड़ी रहने देंगे, थोड़ा इंतजाम हो जाने तो ये भी बढ़ाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, अपन बात कर रहे हैं, सही में भाषण भाषण नहीं दिया, ये इधर उधर की सब्सिडी डालते हैं, वो सब्सिडी डालना अच्छा है या सीधे पैसे किसान के खाते में डाल दें वो अच्छा है? बताओ बताओ, मैं पूछ रहा हूं आपसे। और इसलिए मैं सोच रहा हूं सब्सिडी सब्सिडी कौन खा गया कि पी गया कि इधर गई कि उधर गई, उसके बजाय नगद पैसा डालो भैया खाते में, किसान को जो खरीदना होगा खरीद लेगा। अब उस दिशा में जाऊंगा ताकि इस तरह की कोई दिक्कत किसान को भी ना हो। आपकी जिंदगी बदलना है, देखो आप परिवार है, सिंचाई की व्यवस्था हो, 0% ब्याज पे कर्जे का सवाल हो, सारी चीजें भाजपा ने की है, कांग्रेस ने तो कभी ढेला नहीं दिया, झूठ बोलते हैं कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ करके डिफॉल्टर और बना दिया कर्जा माफ की बात करके।
ये तो बेईमानी है। कमलनाथ कहता मेरा मॉडल, कमलनाथ का मॉडल क्या है? कमलनाथ मॉडल है भ्रष्टाचार का मॉडल, कमलनाथ मॉडल है वादा खिलाफी का मॉडल, कमलनाथ मॉडल है ट्रांसफर को उद्योग बनाने का मॉडल, ये तो योजनाओं को बंद करने का मॉडल है कमलनाथ, पता है? अरे संबल योजना बंद कर दी थी बहनों कमलनाथ ने, बेटा बेटी को जन्म के पहले, बहन को बेटा बेटी के जन्म के मैं 4,000 देता था, जन्म के बाद 12,000, 1.25 साल क्या आ गए कमलनाथ और कांग्रेस, वो 12 और 4, 16,000 रुपया बंद लड्डू के पैसे छुड़ा लिए मेरी बहनों से। कमलनाथ मॉडल है मेरे बच्चों से लैपटॉप छीनने का मॉडल। मैं बच्चे अच्छे नंबर लाते थे तो पहले लैपटॉप देता था, मेरे भांजे भांजी कमलनाथ आ गया तुम्हारे लैपटॉप छीन लिए, अब मैंने फिर लैपटॉप चालू कर दिए। कमलनाथ मॉडल है कन्या विवाह बंद करने का मॉडल। हम बेटियों की शादी करते थे, इनकी सरकार में शादी हुई लेकिन बेटियों के खाते में पैसे ही नहीं दिए, बेटियों के पैसा खाने का मॉडल है कमलनाथ मॉडल।